प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे जहां राहगीरी कार्यक्रम में शामिल हुए, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंहस्थ 2028 को लेकर किए जाने वाले कामों और शिप्रा नदी शुद्धिकरण को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक ली। विक्रमादित्य संकुल भवन में महाकुंभ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद सीएम मकोडिया आम में 100 करोड़ रुपए से बनने रेलवे प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया। यादव ने उज्जैन के श्री राम जनार्दन मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में मंदिरों में चल रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया। महिदपुर के डोंगला पहुंचकर यहाँ वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री यादव नागदा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के पूर्व उन्होंने कन्या पूजन किया।